का आपका जो टॉपिक है वो आपका यूटिलिटी एनालिसिस। देखो कोई भी चीज अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, कंज्यूम कोई भी चीज का मतलब वो कोई खाने की चीज हो सकती है, पहनने के लिए कपड़े हो सकती है, पढ़ने के लिए आपकी शिक्षा एजुकेशन भी हो सकती है, कोई भी चीज जिसको भी आप यूज कर रहे हो उससे कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ यूटिलिटी, कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसी चीज को बोला गया यूटिलिटी। यानी किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विसेज, उससे जो भी आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। अब बात आई क्या, व्हाट इज यूटिलिटी, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज इज कॉल्ड यूटिलिटी। किसी भी सर्विस की, किसी भी प्रोडक्ट की वांट को सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल आप खाना खा रहे हो तो खाने से क्या मिलेगा, आपका पेट भरेगा, जैसे अभी मैम ने कहा भूख आपकी मिट जाएगी, उससे आपको यूटिलिटी मिल रही है। पढ़ रहे हो आप तो पढ़ने से कुछ ना कुछ आपको कुछ ना नॉलेज मिल रही है, तो उस नॉलेज से आपको कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिल रही है। जैसे आप यूटिलिटी पढ़ रहे हैं तो यूटिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, अब इस यूटिलिटी से कितनी यूटिलिटी आ रही है, हाँ हाँ, तो कितना आपके लिए, आपको कितना सेटिस्फाई कर रही है, उसी को बोलते हैं आप यूटिलिटी। किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विसेज की वांट को सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। ठीक है, अब ये यूटिलिटी की ना दो अप्रोचेज है। पहले तो यूटिलिटी को कैसे मेजर किया जाता है, यूटिलिटी को मेजर किया जाता है यूटिल में। अब ये भी मेजर कैसे किया वो बाद में देखना है, ये आपने दो तरीके की अप्रोच है यूटिलिटी के, एक तो कार्डिनल और एक आपकी ऑर्डिनल। कार्डिनल का मतलब है कि आप जो भी मेजर कर रहे हो वो उसको नंबर्स में मेजर कर सकते हो, कार्डिनल्स में, नंबर्स में मेजर कर सकते हो। मैंने कहा कि आपको पढ़ने से कितनी यूटिलिटी मिली, जैसे आप नहीं लिखते कि 10 में से कितने मार्क्स आए आपके, तो वो आपकी यूटिलिटी हो गई। मैं कह रहा हूँ कि आप बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा, तो आप नंबर दे रहे हो ना, तो वो क्या यूटिलिटी हो गई आपके लिए, इतनी यूटिलिटी, इतना यूजफुल है आपके लिए चीज़, कार्डिनल्स बोलते हैं उसको। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में आप यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हो, पहली चीज। ठीक है, अब दूसरी बात क्या आई, आप किस में, कौन सी यूनिट में मेजर करोगे, तो आप मेजर करोगे किस में, यूटिल में। यूटिल के कंसेप्ट दिए किसने, फिशर, और ये जो कार्डिनल है ये दिया आपने मार्शल ने, जो कि आपका नियो क्लासिकल से रिलेटेड है, नियो क्लासिकल अप्रोच मतलब जो इकोनॉमिक्स उससे रिलेटेड है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई आपको, मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपने पढ़ा यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट सर्विसेज की वांट कैपेसिटी को आपने कहा यूटिलिटी। फिर आपने पढ़ा दो तरीके के अप्रोचेज है, कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। कार्डिनल के बारे में बात कर रहे हैं, कार्डिनल मीन्स कि आप जो भी चीज़ यूज कर रहे हो उसके आपको कुछ नंबर्स में आपको यूटिलिटी मिलेगी। ठीक है, फिर आपने पढ़ा कि यूटिलिटी को मेजर तो किया गया नंबर्स में, तो किस में, किस यूनिट में, तो आपने कहा यूटिल में, और यूटिल किसने दिया, फिशर ने, और कार्डिनल मार्शल ने। अब मार्शल का नाम चलता रहेगा, प्राइस इलास्टिसिटी भी मार्शल ने दी है आपकी। ठीक है, और ये भी किसने दिए, मार्शल ने दिए। अब यूटिलिटी की क्या फीचर, ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट जैसे आप देख रहे हो बिल्कुल ऐसे ही आएगा, ये चार जो इसकी फीचर देख रहे हो बिल्कुल एज इट इज, कोई चेंज नहीं। पहले फीचर्स है आपके सामने, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का क्या मतलब है, सब्जेक्टिव एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मीन्स माइंड से रिलेटेड, यहाँ पर जो बात हो रही है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू की बात नहीं कर रहे ना उसकी सब्जेक्ट रिटर्न की बात कर रहे हैं, हम क्या बताते हैं, सब्जेक्टिव मीन्स आपके माइंड से रिलेटेड मेंटल सेटिस्फेक्शन, ऑब्जेक्टिव मीन्स कि आपके नंबर्स में, जैसे आप वो कह रहे हैं ना कि कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेगी, चीज़ें नहीं मिल रही आपको, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो यूटिलिटी आपकी क्या होती है, सब्जेक्टिव, इमोशनल आपके साथ, बिल्कुल है। अब मैं बोल रहा हूँ आपकी एक जैसा, क्या पता समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, हो सकता है किसी को ज़्यादा समझ में आ रहा है, किसी को थोड़ा कम आ रहा हो, सबके पॉसिबल है ना। तो यूटिलिटी सबके लिए आपके, सबके अलग अलग माइंड से अलग अलग होगी। किसी ने कई बार पढ़ रहा है कि उसको पहले ही पता है मैं आगे क्या पढ़ा रहा हूँ, जिसने पहली बार पढ़ रहा है उसको अभी नई नई लग रही होंगी चीज़ें, किसी ने थोड़ा थोड़ा देख रहा है उसके लिए अलग यूटिलिटी है ना, तो सबके लिए अलग अलग होगी। तो सारा सारा खेल किसका है, माइंड का, रिलेटेड विद माइंड। दूसरा होता है यूटिलिटी इज रिलेटिव, देखिए मेरी बात सुनिए, आज आप पढ़ रहे हैं आपके लिए आज इसकी यूटिलिटी ज़्यादा है क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं आप, दोबारा पढ़ेंगे थोड़ी कम हो जाएगी टाइम के साथ,
परसेंट टू परसेंट भी वैरी होती है। ये जो सब्जेक्ट है ये केमिस्ट्री वालों के लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब ये है कि यूटिलिटी आपकी क्या रिलेटिव होती है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। आज जैसी इकोनॉमिक्स की आपकी वैल्यू है कल नहीं रहने वाली, या इससे ज़्यादा बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, वो नहीं पता क्या होगा। और दूसरा सिचुएशंस भी होगी, नेट के एग्जाम में अलग वैल्यू होगी, पढ़ाने के लिए अलग वैल्यू होगी। समझ में आ गई ना बात? तो टाइम और सिचुएशंस ये सारी क्या होगी, ये होती है आपकी रिलेटिव, पहली सब्जेक्टिव, दूसरी रिलेटिव। तीसरी आई, जरूरी नहीं कि आपकी यूजफुल हो, असेंशियल नॉट असेंशियल यूजफुल। कैसे? जरूरी थोड़ी है कि जो चीज़ आप काम कर रहे हो उसे जो यूटिलिटी मिल रही है वो आपके लिए यूजफुल हो। स्मोकिंग इसका एग्जांपल है। अब स्मोक कोई कर रहा है उसे उसको यूटिलिटी तो मिल रही है, लेकिन उसको उसको पता भी तो है ना कि उसमें लिखा होता है डेंजरस टू मतलब हेल्थ, ऐसे लिखा होता है। फिर उसके लिए बताओ नेगेटिव है ना, लेकिन उसको यूटिलिटी मिल रही है। तो यूजफुल होना जरूरी नहीं है, हो भी सकती है। और दो बातों में स्टेटमेंट दो में दो फर्क होता है स्टेटमेंट में। ऐसी स्टेटमेंट का देख लो, यहाँ पर लिखा है यूटिलिटी इज नॉट असेंशियल यूजफुल। ये कह रहा है कि ये जरूरी नहीं कि यूटिलिटी आपकी यूजफुल हो। इसका मतलब यह कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यूटिलिटी इज ऑलवेज यूजफुल क्रॉस हो जाएगी, एंड यूटिलिटी इज ऑलवेज नॉट यूजफुल तो भी क्रॉस हो जाएगी। तो मतलब क्या होगा, हो भी सकती है और ठीक है। और दूसरा है कि मोरलिटी से क्या होती है, वो इंडिपेंडेंट। चोरी चोर जो होता है वो चोरी कर रहा है, मर्डर कर रहा है किसी का, यूटिलिटी तो मिल रही है ना, क्या एथिकल है नहीं है ना। तो मोरलिटी से वो क्या होती है, परे होती है, दूर होती है। चार आपने फीचर्स पढ़ी है, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, रिलेटिव, नॉट असेंशियल यूजफुल, और फोर्थ वन इज मोरलिटी। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, हाँ भी ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, ओके, अगला देखिए। जो आपकी ओरिजिनल जो है आपकी मॉडर्न अप्रोच से डिस्कस करेंगे बाद में, हिक्स और एजवर्थ ने दिए, देखेंगे इसके बारे में। अब ये जो अजम्पशंस है आपकी यूटिलिटी की, कार्डिनल की, क्या क्या है? सबसे पहले आपका रेशनल कंज्यूमर, और रेशनलिटी का मतलब पहले आपने पढ़ा होगा क्या, सी एनालाइज, और फिर आपने इंटरप्रिटेशन, सी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। देखिए चीज़ें क्या आपके सामने, जो भी आपके पास सामने दिख रहा है, जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग आप देखना चाह रहे हैं, एनालिसिस कीजिए। आपके लिए बेनिफिट है, उसके प्रोज क्या है, कौनस क्या है, सब कुछ आपने देख लिया, फिर उस पर इंटरप्रेट कीजिए कि आपने काम वो करना है या नहीं करना। रेशनलिटी का मतलब हुआ एक कंज्यूमर बहुत विवेकशील है, सोच समझ कर डिसीजन लेता है। पढ़ा था ना मैनेजमेंट में बाउंडेड रेशनलिटी और वो सब, एक मैं आपने पहले पढ़ा था, आपने पहले वाली क्या, रेशनल डिसीजन मेकिंग। दूसरी कौन सी थी, इमोशनल। तीसरी पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक फॉर बाउंडेड, और फादर ऑफ डिसीजन मेकिंग साइमन कमीशन, हर्बर्ट साइमन। ठीक है, चलो, हार्वर्ड साइन ने डिसीजन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट दिया है। ठीक है, ओके। तो रेशनल कंज्यूमर होगा, रेशनल कंज्यूमर वो होता है जो कम पैसे खर्च करके अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करेगा, टोटल यूटिलिटी को मैक्सिमम करेगा। ओके, नेक्स्ट आए आपके पास कार्डिनल नंबर में मेजर होगी, कार्डिनल यूटिलिटी की अजम्पशन है, कार्डिनल नंबर में मेजर होगी। तीसरी बात है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इंडिपेंडेंट का मतलब कैसे है, ये जो पेन है इससे मुझे जो यूटिलिटी मिल रही है दूसरे से मिलेगी वो उससे इंडिपेंडेंट है, जब इसके जैसा ही होगा। आपके पास ये पेन है वो पेन है, एक जैसे चल रहे, लेकिन दोनों की यूटिलिटी अपने आप में अलग होगी, इंडिपेंडेंट होगी। क्वांटिटी भी अगर इसकी अलग यूज कर रहे हो ना, जैसे ये पेन है सेम इस क्वालिटी का दूसरा पेन इसका, तो उसकी भी इंडिपेंडेंट होगी। ठीक हो गई बात, यूटिलिटी क्या होगी, होती ही है। ठीक बात है, ओके। नेक्स्ट आए आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। पहले आप समझेंगे व्हाट इज मार्जिनल, फिर हम पढ़ेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, वन एडिशनल। मतलब आपने मान लो पहले 10 यूनिट का कंज्यूम किया, और फिर अगर आपको मार्जिन निकालना है तो इसे लास्ट वाली 9
में वो डिडक्ट करेंगे, जैसे टोटल यूटिलिटी ऑफ 10 माइनस में टोटल यूटिलिटी ऑफ 9, अगर ये तो क्या हुई आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ टोटल यूटिलिटी ऑफ 10 माइनस में टोटल यूटिलिटी ऑफ 3, डिफरेंशियल यूटिलिटी होगी, कौन सी होगी? मार्जिनल का मतलब हमेशा होता है 1 का, कि आप 1 का चेंज देखोगे, इससे ज़्यादा का नहीं। ये तो ना नहीं मेरी बात, 1 एडिशनल, इसलिए तो कहते हैं एडिशनल करने के बाद हम उसे ऊपर वाले माइनस वाले डिडक्ट कर देंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन आप देखोगे ना कि चेंज क्या किया है, चेंज वो नेगेटिव पॉजिटिव कैसा भी हो सकता है, 1 एडिशनल, 10 लगा रखे थे 1 कम कर दी, 9 का देख लो, 9 से 10 का देख लो, नहीं आई समझ में? तो 1 एडिशनल इसलिए कहते हैं, वो कैसा भी चेंज हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकती है आपकी लेस, उसकी इनवर्स चलेगा, लेकिन आप उसे पिछली और उसकी देखोगे, आएगा तो सेम रिजल्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम आएगा आपका, ठीक है, क्योंकि 1 का ही डिफरेंस देखना आपने। तो ऐसे 9 से 10 पे जाओ, 10 से 9 पे जाओ, आई समझ में? ओके, नेक्स्ट आया आपके पास ये बात, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब समझ में आ गया कि एक एडिशनल का क्या मिला। हमने कहा मनी इज कॉन्स्टेंट, मनी इज कॉन्स्टेंट मतलब इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी होगी मनी की। देखो कैसे, आप चाहिए ये मान लो इस पेन की प्राइस है 10 रुपये, जो आप मार्कर मेरे पास है, ये एक पेन लोगे मैं आपको दूंगा 10 रुपये में, दो लोगे तो, और 10 लूंगा तो, और 200 लूंगा तो 2000, और 10,000 लूंगा तो, बात समझ में आई? चाहे आप मेरे से एक पेन लो, 100 पेन लो, 1,00,000 पेन लो, मैं आपको दूंगा 10 रुपये में। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी की क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी ना, कांस्टेंट। आप ऐसे करोगे, देखो आपने मेरे से एक पेन लिया, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या आई? पहले की तो कुछ नहीं आएगी, दूसरे की देखो, दूसरे की आई मार्जिनल यूटिलिटी 10, थर्ड की क्या आई? 10। मनी की बात कर रहा हूँ मैं, 30 रुपये में 3 पेन आए, फोर्थ में 10। कंसेप्ट समझ में आया आपको मार्जिनल यूटिलिटी वाला? किस में? हाँ, कहीं पे पानी ज्यादा हो, हाँ वो भी जैसे वो भी बिल्कुल ठीक है आपकी, जैसे आप कह रहे हो कि टाइम और सिचुएशन के ऊपर, अगर आप रेगिस्तान में हो, आपके पास डायमंड है, डायमंड है और आपके पास मान लो पानी है, डायमंड है पानी नहीं है, मर जाओगे आप, वो बता रहा हूँ वैल्यू इन यूज़ की कंसेप्ट को, कि यूटिलिटी किसकी ज़्यादा है, प्राइस की बात नहीं हो रही थी वहाँ पे, वहाँ यूटिलिटी की बात हो रही है, आपके लिए जो यूटिलिटी है उस वक्त आपके लिए पानी की ज़्यादा है, समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन बन गई कि उस केस में, लेकिन दूसरी सिचुएशन जब आई आपके पास तो उसमें आपकी मार्जिनल यूटिलिटी किसकी ज़्यादा हो गई? डायमंड की, और जगह गया, अब हमेशा तो रेगिस्तान में रहने से रहे आप, कहीं आप बाहर गए तो वहाँ पे फिर क्या है? डायमंड फिर चाहिए, वहाँ डायमंड चाहिए, तो वैल्यू डायमंड आप और भी देखें ना, हर जगह डायमंड की वैल्यू है, इसलिए है ना, क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है। पानी, पानी की नहीं है, पानी तो ऐसे मिल जाएगा आपको, फ्री में पिला भी देते हैं, कोई डायमंड दे देना कोई नहीं मांग देगा, है ना, तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो आई आपकी वो है कंज्यूमर सरप्लस की,